असलमकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत मज़े में होंगे तो सर्दियों का सीज़न आ गया सारी वेजिटेबल्स फ्रेश मिलने लगी है इस सीज़न में वेज पुलाव का अलग ही मज़ा होता है तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे वेज पुलाव एकदम खिला खिला बहुत ही मज़ेदार और आसान इतना है कि कोई बच्चा भी इसको बना लेगा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल को वॉश करके इसको भिगा देती हूँ तकरीबन दो कप के करीब में चावल इंडिया गेट का ये बासमती राइस है जो इसको मैं वॉश करके सोव कर दूँगी वेजिटेबल्स में सिंपल सी यही चार वेजिटेबल्स होती है मटर होती है ये बीन्स और गाजर गोभी यही नॉर्मली यही वेजिटेबल्स वेज पुलाव में यूज़ की जाती है तो इनको अच्छे से क्लीन करिए पहले इसको अच्छे तो से दो एक, एक, एक इंच का कट कर लीजिए कुछ इस तरह मैं सारी वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ ज़्यादा बड़ी नहीं है ज़्यादा छोटी नहीं मीडियम साइज की सब कुछ है और इसमें एक प्याली मटर जाएगी और चार पाँच हद मैं ग्रीन चिली इसमें फाड़ के ले ली हूँ बीच में से कट लगा दी हूँ और एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट एक चम्मच के करीब जाएगा इसमें तो ये वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो कम कर लीजिए और कुछ बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं घटाना चाहे तो घटा सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर ली हूँ इस वेज पुलाव में मसाले आप पुलाव वाले सारे यूज कर लें तो यहाँ पर बड़ी इलायची जीरा और काली मिर्च के कुछ दाने मैं ली हूँ लौंग इलायची और दालचीनी तेज पत्ता कड़ी पत्ता बाद कर... के फूल और सब्ज इलायची भी ऐड कर दें अगर आपके पास हो तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने के बाद मैं इसमें ऑयल ऐड की हूँ एक चम्मच और फिर इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जैसे घी मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम तेज और सारी मसाले के करके हम ऐड कर देंगे इसमें अगर आप कोई मसाले और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं तो इसमें करी लीप्स मैं ऐड कर दी हूँ तो एक से दो मिनट तक जब मसाले सारे क्रैकल हो जाएं और इसका फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए तो उसके बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और यहाँ पर फ्लेम को आप हाई कर लें क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर हाई करके इसको हाई फ्लेम पर चार से पाँच मिनट इस तरह भूनें उसके बाद इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एक चम्मच के करीब और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर अभी भी फ्लेम को हाई रखें और दो से तीन मिनट और इसको भून लीजिए जैसे ये थोड़ा सा खुशबू आने लगे जिंजर गार्लिक पेस्ट की उसके बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम करके चार से पाँच मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और मैं जो मटर है इसको अभी इसलिए नहीं ऐड की थी बहुत ही सॉफ्ट थी मटर वो बीच में से फिर टूट जाती है इसलिए मैं अब इसको ऐड कर रही हूँ उसके बाद ऐड करने के बाद आप इसको कवर कर दें अगर आ... चार से पाँच मिनट के बाद जब हमारी सब्ज़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरह तो इसको हाई फ्लेम करके इसको और अच्छे से भूल लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम लोग चावल ऐड करेंगे मैं चावल पहले ही वॉश करके इसको सोव कर दी थी तो चावल भी अच्छे से फुला हुआ है तो यहाँ से दो से तीन मिनट फिर हम इसको भून तो इसके अंदर जो पानी जाएगा वो दो कप चावल पे मैं ढाई कप के करीब पानी ली थी और उसको मैं बॉईल कर ली हूँ पहले ही बॉईल कर ली थी तो यहाँ पर जैसे दो से तीन मिनट में इसको भूनूंगी तो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये बिल्कुल हॉट वाटर तो है पानी इतना रहेगा कि हमारा जो ये राइस है अच्छे से डूब जाए ज्यादा पानी रहेगा तो ये टूट जाएगा जो हमारा पुलाव बिल्कुल टूटा टूटा गला गला सही से नहीं बनेगा तो एक कप पर सवा कप के करीब पानी यूज़ करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा तो यहाँ पर फ्लेम को हाई रखेंगे और इस स्टेज इस पर सॉल्ट वगैरह चेक करके आप ऐड कर सकते हैं तो बीच में कवर कर दी थी मैं बीच में एक बार इसको फिर चेक कर लें ऊपर नीचे कर लें क्योंकि हमने पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला ना तो थोड़ा बीच बीच में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है तो फ्लेम को उसके बाद लो कर दें लो टू मीडियम फ्लेम करके इसको छोड़ दें तो यहाँ पर चार से पाँच मिनट के बाद हमारा ये पुलाव एकदम डन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और इसे कोई भी बना सकता है इतना बनाना आसान है कि कोई भी इसको बना सकता है इस तरह के जो वेजिटेबल्स के पैकेट आते हैं फ्रोज़न आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसके ऊपर ये घी में मैंने काजू को फ़्राई करके इसके ऊपर इस तरह डाल दिया है ये देख लीजिए हमारा पुलाव एकदम डन हो चुका है आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं ये बहुत ही मज़े का बनता है दावत वग़ैरह हो तो उसमें भी आप इसको बनाएं आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए दुआ याद रखिएगा अल्लाह हाफिज